बजे शहनाई रे प्रतिष्ठाई रे, बजे शहनाई रे प्रतिष्ठाई रे, ये खुशियां छाई रे प्रतिष्ठाई रे, आई रे आई प्रतिष्ठाई रे।
भैया हेलो जम्मू Thank you.
सिर्फ आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, अपने हाथ जोड़ लीजिए, बोलिए, इस भूमि के देवता, हम आपकी इस भूमि को पवित्र करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर हमेशा विशुद्धि बनी रहे और कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो। हे मेरे घर के कुल देवता, वास्तु देवता, हम आपका आह्वान करते हैं, आप सभी इस पंच कल्याणक में आकर के पुण्य लाभ लें। जितने भी पात्र बने हैं वे सभी स्वस्थ रहें और इस क्रिया में संलग्न रहें। इस भूमि के आसपास जो भी घर हैं, मकान हैं, रहने वाले लोग हैं, आप सबका मन पवित्र बना रहे, यह हमारी भावना है। हे दिव्य शक्तियों, हम आपका आह्वान करते हैं, जितने भी बेंतर हों, भवनवासी हों, अन्य देव हों, इंद्रिय और इंद्र हों, हम आपका सम्मान करते हैं और आपका आह्वान करते हैं। आप जिस पद पर हैं, आज हम आपके उस पद का इस पृथ्वी के ऊपर सचित्र प्रस्तुति करना चाहते हैं। हमें आपका आशीर्वाद भी चाहिए और सहयोग भी चाहिए। यहाँ के जितने भी कार्यक्रम हों वे सब निर्विघ्न हों। हम चाहते हैं हमारे गुरुवर पुलक सागर जी महाराज, जो उन्होंने इस कार्य को संपन्न करने का संकल्प लिया है, यह कार्य निर्विघ्न हो और हमारे आचार्य पुलक सागर जी महाराज सदा स्वस्थ रहें। हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं और अन्य जितने भी दिव्य दिव्य आत्माएँ हैं उनका आह्वान करते हैं, वे अपनी गति को सुधारना चाहते हों तो आइए भगवान के समोसरण में। एक आत्मा कैसे परमात्मा बनती है, एक बीज कैसे वृक्ष बनता है और वृक्ष के अंदर फल कैसे लगता है, आप सभी आकर के यहाँ पुण्य का लाभ लें और जब भी घर जाएं नमोकार मंत्र ना आता हो इतना ही कहें कि हे भगवान, हमारे भी जीवन में इस प्रकार के कार्य करने का हमें अवसर मिले, बस इतना पुण्य हमें आप दीजिए। हाथ जोड़ लीजिए, महावीर भगवान के जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर तक सब तीर्थंकरों की जय। हम आप सबका आह्वान करते हैं और आप इसका आनंद लीजिए। बोलिए गणाचार्य श्री पुष्पधन सागर गुरुदेव की जय। बोलिए आचार्य पुष्पधन सागर गुरुदेव की जय जय जय। जय बोलिए आचार्य पुलक सागर गुरुदेव की जय जय जय। जय बोलिए आचार्य प्रणाम सागर गुरुदेव की जय जय जय। मुनि संघ की, संघ की। मेरा निवेदन है, मेरे बोलने के बाद आप आवाज ना लगाया करें। मैंने सब कुछ कर लिया है, अब आप अपने कार्यक्रम के लगाइए। सजती रहे यूं ही धर्म सभा, सजती रहे यूं ही धर्म सभा, हर खुशी सुहानी रहे, मनाते रहे हम सब पंच कल्याणक महोत्सव और खुशियां सब तरफ छाई रहे, क्योंकि कहते हैं वो फूल ही क्या जिसमें
लाली ना हो, वो सभा ही क्या जिसकी कोई माली ना हो, और वो धर्म सभा ही क्या जिसमें कहीं ताली ना हो। एक बार जोरदार तालियां आपकी कार्यक्रम शुरू करने के पहले। और हमारे माननीय प्रतिष्ठाचार्य जी बोल रहे हैं कि मंगल की शुरुआत मंगल कलश स्थापना से होती है, तो उसके लिए जो परिवार यहाँ पर आया है और जिसने ये पुण्य प्राप्त किया है, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ श्रीमान तरुण जी काला के परिवार को कि कृपया वो मंच पर आएं और पीछे मंगल कलश की स्थापना करके इस पंच कल्याणक महोत्सव का मंगल करें, क्योंकि कहते हैं कि जो भूत बीत गया उसे भूल कर देखो, जो बीत गया उसे भूल कर देखो, जो आज है उसे जी कर देखो, मंगल तुम्हारा जरूर होगा एक मंगल कलश स्थापना करके देखो, एक मंगल कलश स्थापना करके देखो। आमंत्रित कर रही हूँ तरुण जी काला परिवार को, और इससे पूर्व कि वो मंगल कलश की स्थापना करें उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ पंच कल्याणक कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी विलासपुर वालों को। और आचार्य श्री का माइक लगवाएं। मनीष भाई अलवर बेटा लगवा आचार्य श्री जिन शरणम तीर्थ के प्रणेता वात्सल्य मूर्ति गुरुवर पुष्पदंत सागर जी के अमोल रत्न, जिनकी प्रेरणा से ये बजहान तीर्थ तैयार हुआ है, आचार्य गुरुवर पुलक सागर जी के चरणों में कोटिशय नमन और वंदन कि वे हमें मंगल दिशा निर्देश प्रदान करेंगे जिससे हम इस कार्यक्रम को गति दे सकें। और जो बहनें मंगल कलश लेकर के आई हैं बिना शोरगुल किए हुए पीछे वेदिका की ओर पहुँचेंगी, और मंगल कलश स्थापनकर्ता भी वेदिका की ओर पहुँचेंगे। पूज्य गुरुवर पुलक सागर जी के चरणों में कोटिशय नमन कि वे हमें पंच कल्याणक का मंगल दिशा निर्देश प्रदान करें। पूज्य गुरुवर प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान पार्श्वनाथ की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव गणाधिपति गणाचार्य आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महा महोत्सव की, भगवान के गर्व कल्याणक की। बोलिए परम पूज भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर महाराज की, पंच कल्याणक महोत्सव की। देखिए आज पहला दिन है, प्रवचन नहीं कर रहा हूं मैं, सभी लोग उपस्थित हुए हैं, अभी तक आप पूरी व्यवस्था कर रहे थे, अब यहाँ से उस व्यवस्था के अनुसार प्रतिष्ठा होगी भगवान की। और इस कार्यक्रम की शुरुआत, किसी भी कार्य की शुरुआत मंगलता से होती है, और मंगलता में सबसे पहला ध्वजारोहण हुआ श्रीमान हेमचंद जी मीना जी झांझरी, अनन्य भक्तों में हैं और उन्होंने यह सौभाग्य अर्जित किया। आज जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, पहली पंक्ति से लेकर आखिरी पंक्ति तक एक एक व्यक्ति का समर्पण रहा, सहयोग रहा, तन मन धन से सहयोग रहा, तब इस जंगल में यहाँ पर मंगल होने जा रहा है। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि आप सबकी वजह से मैं यहाँ आया, और मेरे से भी बड़ा सौभाग्य मेरा कि स्वयं आचार्य भगवान यहाँ पर चल कर के आए हजारों किलोमीटर दूर से इस प्रतिष्ठा को करने के लिए।
किसने सोचा था यहाँ तीर्थ बनेगा, किसने सोचा था यहाँ भव्य जिनालय का निर्माण होगा, कोई विचार नहीं। शायद इस भूखंड का ही यह प्रभाव रहा होगा, पुण्य रहा होगा, जिसने यहाँ पर कल्पतरु पार्श्वनाथ भगवान को बुला लिया यहाँ पर। मैं विशेष बातें समय समय पर गुरुदेव की आज्ञा से हम सब करेंगे। आज हमारे बीच श्रीमान तरुण जी काला मुंबई की एक बहुत बड़ी हस्ती हैं और हमेशा हंसते रहते हैं, इसलिए हस्ती हैं। और रजनी जी यहाँ पर उनके साथ हैं। इस कार्यक्रम का मंगल घट स्थापन करने का सौभाग्य श्रीमान तरुण काला जी को यहाँ पर प्राप्त हुआ है। सीमा ने, आदरणीय हमारी अध्यक्ष निर्मल जी ने मुंबई में जाकर पंच कल्याणक की बहुत प्रभावना और प्रतिष्ठा कराई। आज उसका परिणाम है तरुण काला जी वो शख्सियत हैं, जब मेरा मुंबई में चातुर्मास हुआ था उस समय भी उन्होंने मंगल घट प्राप्त किया था और आज भी उन्होंने मंगल घट प्राप्त किया है। उनके ग्रह नगर पर, उनके ग्रह पर भी हमारे चरण पड़े, वहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं, आशीर्वाद दिया है। एक दानशील व्यक्तित्व है, जो भी व्यक्ति उनके दर पे चला जाए धर्म के नाम पर कभी पीछे हटने वाली शख्सियत नहीं है। ऐसे तरुण जी काला के लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन हो, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो। आज मंगल घट वो यहाँ पर स्थापित करेंगे और मैं चाहता हूँ कि आज पंच कल्याणक के जिस मुकाम पर हम पहुँचे हैं, जहाँ तक हम पहुँच पाए हैं, और आज ये पंच कल्याणक कितने जल्दी समर्पित हो रहा है, 8-10 वर्षों में कोई तीर्थ नहीं बना करता है, लेकिन उस तीर्थ का यहाँ पर भव्य निर्माण हुआ। मैं कहूँगा कि मैं उस शख्सियत को कभी नहीं भूल पाऊँगा जिनके सहयोग से, जिनके माध्यम से यह तीर्थ का निर्माण आज ध्वज चढ़ने जा रहा है शिखर पर। ऐसे मैं आमंत्रित करूँगा छोटी माँ शोभा ताई, जोरदार करतल धनी से उनका स्वागत करिए। चेयरमैन हैं वो यहाँ पर और पूरे पंच कल्याणक की आयोजन की, वह मंच पर पधारें और हमारे तरुण काला जी जैसे सेवक सृष्टि का अभिनंदन उनके हाथ से होना चाहिए। मैं स्वागत अध्यक्ष श्रीमान राहुल जी जिम्मी भोपाल से पधारे, संगपति परिवार वह पधारे और तरुण काला जी का यहाँ पर अभिनंदन होना चाहिए। करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन हो, पहली क्रिया इनके माध्यम से हो रही है। आइए पधारिए और इनका स्वागत हो, अभिनंदन हो। संतों की सभा में स्वागत और अभिनंदन नहीं हुआ करता है, संतों की सभा में जो भी होता है वो संतों का आशीर्वाद हुआ करता है, वह आशीर्वाद की पूंजी यहाँ से वह लेकर के जाएंगे। मैं चाहूँगा कि उनका भव्य स्वागत हो। आइए शोभा ताई हमारी रजनी जी का मंगल स्वागत करेंगी, स्वागत अध्यक्ष हमारे राहुल जी उनका स्वागत करेंगे तरुण जी का, और विनोद जी जो अध्यक्ष हैं पंच कल्याणक समिति के वह भी पधारें। आदरणीय निर्मल जी गोधा जिनकी सतत प्रेरणा, इन व्यक्तित्व की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, रात दिन घर व्यापार छोड़कर व्यक्ति ने तन मन धन से लगकर इस तीर्थ को निर्माण में अपना सहयोग दिया। आदरणीय गोधा जी के लिए वे जोरदार तालियां यहां पर बजना चाहिए। आए और वह तरुण जी काला का स्वागत सम्मान करें। मैं आवाज दे रहा हूं विनोद जी फांदौत जिन्हें सौधर्म इंद्र का पद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे विनोद जी आज जो भी ये महफिल दिख रही है, मैं कह सकता हूँ किसी भी कार्य को करने में बहुत संघर्ष होते हैं, विनोद ने बहुत संघर्ष किया है और मेरे सपनों से ज़्यादा उसने ये धर्म सभा यहाँ पर सजाई है। करतल धनी से विनोद का यहाँ पर स्वागत, उनका अभिनंदन। नहीं नहीं, तरुण काला जी का ही अभिनंदन। मन की वीणा से निकली ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से निकली ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा, मन की वीणा,
मन की वीणा से निकली ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 देखिए सभी स्वागत करने वाले और कराने वाले यथा स्थान बैठें, जहाँ जिनका स्थान है स्वयं वहाँ पर पहुँच जाएं। कह के पहुँचाओ तो दुख होता है, बिना कहे पहुँच जाना चाहिए यथा स्थान। हेलो, देखिए जिन्होंने अपनी पदरज से भारत भूमि के अपने लाइन से क्यों बैठे 1,75,000 किलोमीटर की पदयात्रा से भारत भूमि को पवित्र किया, जिनके शिष्य भारत भर में अपनी प्रतिभा से जाने जाते हैं, पुष्पगिरी तीर्थ के प्रणेता गढ़ाचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज, जो 1380 किलोमीटर की यहां पर यात्रा करके पधारे हैं, उनके पाद प्रक्षालन से वे मंगल स्वरूप हैं, मंगल रूप हैं। इस कार्यक्रम का मंगलाचरण करना है। आचार गुरुवर के दोनों आचार शिष्यों सहित आचार वर का पाद प्रक्षालन किया जाना है। उस पात्र का हम चयन कर रहे हैं। पंच कल्याणक के प्रथम दिवस आचार भगवान की पूजा पाद प्रक्षालन के लिए आइए भाइयों। चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं, हर वस्तु का मूल है लेकिन इसका कोई मूल नहीं। और इस बात को अगर सबसे ज्यादा कोई समझता है तो हमारे प्रदीप मामा जी यहाँ बैठे हैं। चरण रज की जब भी बोलियां लगती हैं, हमारे नील कमल जी यहाँ बैठे हैं, जब भी बोलियां लगती हैं, बड़े बड़े धनपति यहाँ बैठे हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम आज ये कौन, हेलो, आज ये कौन सौभाग्यशाली इस सौभाग्य को प्राप्त करेगा। आइए इस बोली को शुरू करता हूँ। गणाचार सहित दो दो आचार्यों के पाद प्रक्षालन, बोलिए। कोई दोनों नहीं, एक ही आचार्य के होंगे, बड़े महाराज है ना। आइए मुझे गणाचार आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन करने का ये सौभाग्य है। कहां से शुरू करूं इस बोली को? कौन ऐसा भाग्यशाली है, कौन ऐसा पुण्यशाली है जो आज पूज्य गुरुवर के गुरु के पदरज को माथे से लगाकर अपने भाग्य को धन्य करेगा? बोलिए कहां से शुरू करूं इस बोली को? 51,01,111 रुपया। देखिए कौन सौभाग्यशाली जो गुरुदेव के चरणों का चरण प्रक्षालन करेगा। चरण प्रक्षालन का अर्थ ये नहीं होता है कि एक लोटा जल लिया और चरणों में डाल दिया। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो अपने दोनों हाथों को और अपने मस्तक को गुरु के चरणों में रखने का सौभाग्य अर्जित करते हैं। चरण प्रक्षालन का मतलब है गुरु के निकट आने का सौभाग्य, उनके पास आने का सौभाग्य। दुनिया के पास बहुत गए, आओ आज किसी वीतरागी के पास चले तो शायद उनके चरणों का स्पर्श करके भीतर का सोया परमात्मा जागृत हो जाएगा। अपने जीवन को धन्य करें, पुण्य को संचित करें। आपके जीवन का पुण्य प्रतिदिन लॉस होता है, जैसे मोबाइल की बैटरी शाम तक खत्म हो जाती है, लॉस हो जाती है। लेकिन उस मोबाइल के प्लग को किसी टूपिन में डाल दिया जाए, वह फिर से चार्ज हो जाता है। कौन सौभाग्यशाली है जो गुरुदेव के चलते फिरते तीर्थंकर समान, जिनके चरणों की धूल से तीर्थों का निर्माण हो जाया करता है, ऐसी चरण धूल मस्तक पर कौन सौभाग्यशाली लगाएगा? मैं पुलक सागर तुम्हारा आह्वान करता हूं कि मैंने चरण छुए तो पुलक सागर बन गया, तुम चरण छुओ तो भगवान बन जाओगे। आइए गुरुदेव के चरण का पाद प्रक्षालन करिए। आइए भाइयों, 5,05,511 रुपया, 5,05,511 रुपया। और कोई मानुभाव? चलिए एक मिनट रोकिए, यहाँ बहुत बड़े बड़े रत्न आए हैं, बहुत बड़े बड़े दानवीर आए हैं,
उन्होंने कहा कि हम लोग के बैठे हुए बोलियां लगे, ऐसे कैसे हो सकता है, और यह सौभाग्य बिना बोली के हाँ प्राप्त हुआ है। और उन्होंने कहा बोलियां मत लगाइए, ऐसे समाज के गौरव जहां बैठे हैं, आदरणीय तरुण काला जी ने 11 लाख रुपए की राशि समर्पित करके गुरुदेव का चरण प्रक्षालन का सौभाग्य अर्जित किया। जोरदार तालियां ऐसे व्यक्तित्व के लिए होना। तालियां बहुत कम पड़ रही है, ऐसे बजा रहे जैसे तुम्हारी जेब से जा रहा हो। जोरदार तालियां बजाइए तरुण जी काला के लिए, ऐसा समाज का रत्न, समाज का हीरा, तरुण गुरुदेव के भी पहले शिष्य आचार्य तरुण सागर जी महाराज हुए, और आज वही संगम यहाँ। भगवान महाराज भले ना हो, उनका नाम ही सही, गुरुदेव जब आचार्य बने सबसे पहले शिष्य बनने का सौभाग्य तरुण सागर जी महाराज को मिला, और आज चरण छूने का पहला सौभाग्य तरुण काला को प्राप्त हो रहा है। जोरदार तलकालियों से तरुण काला जी का। आइए भाइये, इसके बाद जिनवाणी शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य उच्च गुरुदेव को, जिनवाणी शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली प्राप्त करेगा। आइए इस पुलिस को शुरू कर रहा हूँ, निश्चित मान के चलना जीवन में कभी किसी संत को अपने हाथ से जिनवाणी शास्त्र जरूर भेंट करना। है कोई ऐसा सौभाग्यशाली? बोलिए कहां से शुरू करूं उस बोली को, कौन सौभाग्यशाली इस सौभाग्य को प्राप्त करेगा। आइए शास्त्र भेंट की बोली शुरू कर रहा हूं। निश्चित मानिए कोई पुण्यशाली होगा जो आज गुरुदेव को अपने परिवार के साथ शास्त्र भेंट जिनवाणी भेंट करेगा। आइए इस बोली को 1,01,111 रुपया एक साथ कराएंगे, एक साथ 1,01,111 रुपया एक एक लाख। देखिए जब जन्म होता है तो हम माँ की गोद में खेलते हैं, और जब कोई संत बन जाता है तो माँ की गोद में नहीं, जिनवाणी माँ की गोद में खेला करते हैं। हम वो लोग हैं, हमारी माता जिनवाणी है, हमारे पिता अरिहंत भगवान हैं। और कौन है जो आज गुरुदेव को गुरुदेव की सच्ची माँ से मिलाएगा, जिनवाणी अपने हाथों से समर्पित करेगा। किसी को उसकी माँ से मिलाना, इससे बड़ा सुख दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। गुरुदेव के हाथों में उनकी माँ जो सिर पर रखी जाती है, जिनेंद्र के मुख से निकलती है, जो जिनवाणी भेंट करेगा बेटे को माँ से मिलाने का पुण्य अर्जित करेगा। बोलिए हाँ 2,02,212 रुपया 2,02,212 रुपया एक 2,00,000। पीछे वाले भी भाई साहब, अगर किसी का मन हो, किसी को लगे ये सौभाग्य आज मुझे लेना है, पूज्य गणाचार्य आचार्य श्री पुष्पधन सागर जी महाराज को शास्त्र जिनवाणी भेंट करने का। पीछे कौन है? 3,03,313 रुपया 3,03,313 रुपया बोलिए 3,03,313 रुपया एक दो ढाई और कोई भाई 4,04,413 रुपया। क्या बात है, 4,04,413 रुपया। तीन वाले भाई, करूं क्या पांच? बोलो कर दूं। 5,05,512 रुपया 6,06,613 रुपया 6,06,613 रुपया एक दो ढाई। बोलो दीदी साथ करूं क्या? देखो अवसर, मौका, भाग्य, पंच कल्याणक का पहला दिन और पहले दिन का यह सौभाग्य है। 6,06,611 रुपया एक दो ढाई 7,07,713 रुपया 8,08,000। बाबा तालियां तो बजाओ। कितने गुरुदेव के भक्त हैं जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए। जो जो गुरुदेव का भक्त है वो दोनों हाथ ऊपर उठाइए, और जरा हवा में यूं हाथ लहराइए और कहेंगे क्या राम भाई? गुरुवर मेरे क्या शुभ दिन आया इस आत्म के श्रृंगार का। गुरुवर मेरे क्या शुभ दिन आया इस आत्म के श्रृंगार का। त्याग है बिखरा जिन शरणम में, त्याग है बिखरा बिखरा जिन शरणम में, क्या बरसा रंग बहार का। गुरुवर मेरे क्या शुभ दिन, शुभ दिन, शुभ दिन, शुभ दिन, शुभ दिन, शुभ दिन, शुभ दिन।
8,811 रुपया, एक दो, देखो बड़े बड़े धनपति बैठे हैं, बड़े बड़े करोड़पति बैठे हैं, लेकिन एक बात याद रखना, ये सौभाग्य किसी भाग्यशाली का होगा, ये सौभाग्य किसी पुण्यशाली का होगा। 8,09,00,000, 10,10,00,000, 10,111,00,000, 11,111 रुपया, 11,00,000 है बिखरा जिन शरणम में, त्याग है बिखरा ओ जिन शरणम में, क्या परसा रंग बहार का दुर्वर मेरे, क्या शुभ दिन आया। 11,11,111 रुपया, एक देखो दीदी मनो दीदी, 12,12,212 रुपया, 12,12,212 रुपया, ना तेरा है ना मेरा है, सब यही रह जाएगा, और मुट्ठी बांध के आया पगले हाथ पसारे जाएगा। त्याग है बिखरा जिन शरणम में, त्याग है बिखरा जिन शरणम में, और क्या बरसा रंग बहार का गुरुवर मेरे, क्या शुभ दिन आया इस आत्म के श्रृंगार। चलिए 12,12,212 रुपया, अजित भाई साहब 12,12,000 हो गए हैं, एक पीछे दीदी बोल रही है और बड़ा मन से बोल रही है, कोई एक करता है तो वो तीन करती है, एक बार आप देख लीजिए वहां जाकर। अरे 12,212 रुपया, एक 13 कर दो तो 15 अपने आप हो जाएंगे, गारंटी है, ये सौभाग्य है आपका, ये पुण्य है। पहले दिन गणाचार्य आचार्य पुष्प सागर जी महाराज को जिनवाणी शास्त्र देने का सौभाग्य है, कर दूं तेरा, देख लो सोच लो, मन के भाव मन में ना रह जाए। हाँ जी 12,12,212 रुपया, एक दो ढाई पौने तीन, कर दूं भैया अजीत जी, कर दूं तीन और हो गई, एक बार दीदी से और पूछ लो, नहीं तीन, यह सौभाग्य लिया है श्रीमान विनोद कुमार जी जैन बिलासपुर, उनके पुत्र उनकी श्रीमती श्रीमती रंजना जी जैन, लड़का आपका बोल रहा है। हाँ देखिए, यह सौभाग्य, ये परम सौभाग्यशाली व्यक्तित्व जिसे गुरुदेव की मां को ही नहीं मिला रहा है, वह भगवान के माता पिता बनने का भी सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ है। ऐसे हमारे परमात्मीय विनोद जी बिलासपुर, श्रीमती रंजना जी, अभी मामा देवी नहीं बनी हो, अभी थोड़ी देर बाद बनोगी, और रेशु विशाल यहाँ पर पधारे और उनका परिवार, उन्होंने यह गुरुदेव को जिनवाणी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आज आप जिनवाणी भेंट कर रहे हैं, कल गुरुदेव आपको जिनवर से भेंट कराएंगे। जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत अभिनंदन। स्वागत की सामग्री तैयार रखेंगे? अभी क्यों दे रहे, अभी बिठाओ उनको स्टेज पे, बैठो थोड़ी देर, 13,00,000 दिए काय के लिए दिए, बैठो पूरी फोटो वोटो खिंच जाने दो, फिर भेंट करना। अब एक अवसर और है कि कौन है ऐसा व्यक्तित्व, कौन सौभाग्यशाली है जो इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में अखंड ज्योति की स्थापना करेगा, उस ज्योति की साक्षी में, उस पवित्र पावक की शास्त्री में, उस अग्नि की साक्षी में सारे प्रोग्राम संपन्न होंगे, सारे अनुष्ठान होंगे। बिना अग्नि के संसार की कोई भी व्यवस्था पूर्ण नहीं होती है, अग्नि पवित्र है, पावक है, सबके जीवन को पावक करती है। ऐसे दीप प्रज्वलन, यह ज्योति वो ज्योति है जो कभी चंदन वाला ने महावीर के लिए जलाई थी, ये ज्योति वो ज्योति है जो कभी राजा श्रेणिक ने महावीर के लिए जलाई थी, और ये ज्योति वो ज्योति है भरत चक्रवर्ती कभी ऋषभ देव के लिए जलाया करते हैं। कौन सौभाग्यशाली है जो पारसनाथ की ज्योति को यहां पर के जलाएगा, भगवान पारसनाथ के दरबार, अभी आप कुछ नहीं देख पा रहे हैं,
कार्यक्रम के बाद पंडाल के पीछे देखना भगवान का कैसा संसार बसा हुआ है। हर वेदी पर भगवान ही भगवान दिखाई दे रहे हैं। जहां दृष्टि डालो जिनेंद्र प्रतिमाएं हैं, 1008 नहीं 1200 प्रतिमाएं यहां पर प्रतिष्ठित हो रही हैं। उनके सामने आस्था की ज्योति जलाना, श्रद्धा की ज्योति जलाना अपने जीवन को धन्य बनाने के समान है। कौन ऐसा नर रत्न होगा जो आज जिनेंद्र सूर्य के सामने ज्योति जलाएगा, अखंड ज्योति, और वह ज्योति जलाकर इस कार्यक्रम को प्रकाशमान करेगा। ऐसे उमेश जी आवाज दो सौभाग्यशाली को, उसे मंच पर लाने का अवसर प्रदान करो। भाइयों वह ज्योति एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, चार दिन नहीं, जब तक पंच कल्याणक समाप्त नहीं हो जाएगा। आज उसकी जलाई हुई ज्योति 5 दिन तक 6 दिन तक लगातार वह अखंड ज्योति जलती रहेगी, ऐसा वो भाग्यशाली परिवार। आइए कहां से शुरू करूं इस बोली को, क्या बन अच्छा 5,05,511 रुपया 5 लाख। दीदी ये अखंड ज्योति एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, लगातार जलती रहेगी और आपके परिवार की नाम की ज्योत जलती रहेगी। उसके उपरांत मंदिर में स्थापित हो जाएगी और उसके उपरांत आपको एक सौभाग्य और मिलेगा, वो मंदिर में स्थापित हो जाएगी है सदैव सदैव के लिए। आइए उसकी बोली शुरू। 5,05,511 रुपया 5,05,511 रुपया एक। देखिए हमारे काला जी ऐसे जैन रत्न हैं, उन्होंने कहा बड़ी मित्रता है उनकी विनोद जी बिलासपुर वालों से, और उन्होंने देखा कि यहाँ पर शास्त्र भेंट जिनवाणी भेंट करने का सौभाग्य विनोद जी ने प्राप्त किया। विनोद जी ने मुझे आके बताया कि नहीं, यदि हमारे मित्र हैं, हम सम्मान के साथ उनको लाए हैं, तो उनकी बोली हमसे कम नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा 15,00,000 रुपए की राशि आचार्य श्री के चरण प्रक्षालन का सौभाग्य। 11 बोल के खुद नहीं बोली बढ़ा दी। ऐसा ऐसे ऐसे भी लोग हैं, कोई कंपटीशन नहीं, ये होती है आस्था। लोग सोचते यार बाजू वाला बोले मैं 50 कम कर लूं 10 कम कर लूं, जो गिन गिन के देता है भगवान उसको भी गिन गिन के देता है, और जो समर्पण से देता है भगवान छप्पड़ फाड़ के दिया करता है। खुद की बोली खुद नहीं बढ़ा ली, बोले मेरी गोली 15,00,000 रुपए की यहाँ पर किए जाए और गुरु जी के चरण प्रक्षालन हो। जोरदार तालियां बजाओ रे कंजूसो, तालियां तो बजाओ, तुम्हारे क्या हो रहा है, तालियां बजाओ, तुम्हें भी भगवान देगा। अब भाइयों ये तो तरुण काला जी जिनका सौभाग्य परम सौभाग्य, आज देखिए कितने भावों से वो आचार्य परमेश जी का पाद प्रक्षालन करेंगे, और ये अखंड ज्योत जो सदैव सदैव के लिए जलती रहेगी आपके परिवार के नाम से। 5,05,511 रुपया 1, 2, 2.5, 3.5 6,06,611 रुपया 6,06,611 रुपया 1, 2, 2.5 और कोई भाई 7,07,712 रुपया 7,07,712 रुपया। बोलिए दीदी देखो मौका अवसर भाग्य जब मिले तब सब ले लेना चाहिए, फिर ये दोबारा लौट कर नहीं आता है। आज पुण्य जागा है कर दूं 8, बोलिए 8 के ठाट है, बोलिए 7,07,711 रुपया 1, 2, 2.5। देखो बोली तो दिख गई है जिस पर जाना है, बोली वाला तो दिख गया है, अब तो बढ़ा के पुण्य ले सकती हो, कर दूं 8, बोलिए 7,07,711 रुपया आज फिर अपना भाग जागा है, आज फिर अपना भाग जागा है, हत्थी से अनुराग जागा है, आज फिर अपना भाग जागा है, आज फिर अपना भाग जागा है, ओ हत्थी से अनुराग जागा है। 7,07,712 रुपया 1, 7,07,712 रुपया 2,
7,07,712 रुपया ढाई। एक बार पूछ लो भैया मेरी दीदी से, अगर मन हो भाव हो ऐसा लग रहा हो कि मेरे परिवार के नाम की अखंड ज्योत जलती रहे, हजारों मंत्रों से यहाँ पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आहुति होगी और आपके परिवार की ज्योत चलेगी। बोलिए 7,07,712 रुपया, 1,25,8,08,812 रुपया, ओ भक्ति से 9,09,912 रुपया, ओ भक्ति से अनुराग जगा ले आज फिर अपना भाग जगा ले आज फिर अपना 9,09,912 रुपया। एक दीदी 10 करो और 11 कराने की गारंटी मेरी, सच कह रहा हूं, तुम 10 करो 11 कराने की गारंटी मेरी, फंस जाए तो बात अलग है। हाँ जी 9,09,911 रुपया, 1,02,25,93,295,97,98,99 और ये एक मिनट किसकी है? पीछे वो दीदी बोल रही है, पीछे वालों की है? नहीं बोली तो आगे वालों की है, आगे वालों की तो आगे वाले में समझ गया किसकी है, उसको 11,00,000 करो और समाप्त करो। बोलिए 11,11,111 रुपया, 1,02,25,5,3 हो गई 3। ये बोली है आदरणीय, समझ गए हमारे चेले होके दुकानदारी करोगे क्या, 1,00,000-2,00,000 में क्या होता है। ये बोली गई संगपति परिवार, प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, राहुल, जिम्मी, सौभाग्यशाली पुत्र वधु आइए, और रियान, क्या बात है, भाभी संगपति आइए, और इन्होंने यह सौभाग्य अर्जित किया है अखंड ज्योति जलाने का सौभाग्य प्रदीप मामा संगपति को प्राप्त हुआ है। करतल ध्वनि से आप उनका अनुमोदना करें, पुण्य की सराहना करें। आइए बहुत समर्पित परिवार, विगत 20 साल से जुड़ा हुआ परिवार, कुछ भी काम हो, काम को तो छोड़ो, अरे बाप ये गुरुदेव का चमत्कार है, मेरी कोई औकात नहीं है। मामा ने मेरे कान में सूर्य मंत्र दे दिया कि अब संगपति बोला है तो मैं भी नहीं मानूंगा, ये ज्योति अब 11,00,000 में नहीं 21,00,000 में जलेगी। जोरदार करतल ध्वनि से मामा जी का स्वागत अभिनंदन। मैंने कहा था ना ये संगपति है, सबके 11 तो मेरे 21 होना चाहिए, और यह एक मुखिया पूरे संघ के, संघ का संचालन करने वाले प्रदीप मामा के लिए आपकी तालियां बहुत कम बजी हैं, हाथों को उठा करके बजाइए जोरदार करतल ध्वनि से संगपति जी का। एक बार हमारे पीछे बहन जो बैठी है उन्होंने पहली बोली में भी सहयोग दिया, दूसरी बोली में भी सहयोग, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। आइए इसके बाद देखिए बस अंतिम, अब बंद, अब इसके बाद धार्मिक कार्यक्रम शुरू होंगे, ये भी धार्मिक कार्यक्रम है लेकिन इसके बिना होते भी नहीं है, तो अंतिम एक अवसर मिल रहा है बदली में। और अंतिम है बदली में चांद छिपे तो मौसम बदल जाता है, सूरज मेघ में छिपे तो वातावरण बदल जाता है, ऐसा कौन सौभाग्यशाली है जो बदली में छिपे हुए उस चांद को बाहर लाएगा, कौन किस्मत वाला है जो सूर्य के मेघ हटाएगा, अर्थात अपने हाथों से गुरुदेव के चित्र का चित्रानवरण करेगा, ऐसा सौभाग्यशाली जो गुरुदेव की छवि को सारी, आप कहोगे साक्षात गुरुदेव यहाँ विराजमान है, हमारे यहाँ साक्षात की भी पूजा होती है और स्थापना की भी पूजा हुआ करती है। आइए चित्रानवरण, और ऐसा नहीं होगा कि कोई पर्दा वर्दा खींचोगे, बड़े आधुनिक ढंग से यहाँ पर चित्रानवरण होगा, हजारों लोग पारस चैनल, आदिनाथ चैनल, जिनवाणी चैनल से आपको देख रहे हैं, आइए चित्रानावरण का सौभाग्य प्राप्त करें। आइए भाइयों ये चित्रानावरण करने का कौन अंतिम बोली है बस
धन अर्पण किया, रहा न के पूज कर पाऊं जिनका वेश। ओम ग्रीन यज्ञ मंडप ध्वजारोहण स्थल साक्षात विराजमान परम पूज गणाचार्य वात्सल मूर्ति पुष्प गिरि प्रणेता आचार्य गुरुवर पुष्प दंत सागर शशंक विराजमान जलादि महा अर्घन्द्र पांते। सभी लोग बोले हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु। और हमारे संघपति आदरणीय प्रदीप मामा जी हेमंत झांझरी जी का साफा पहना करके सम्मान करके आदरणीय ध्वजारोहण करता का सम्मान कर रहे हैं। ओम नमो अरहंताणम हर हर स्वस्ति स्वस्ते जिन धर्मोदोतनाय। संघपति आदरणीय प्रदीप मामा जी हेमंत झांझरी जी का साफा पहना करके सम्मान करके आदरणीय ध्वजारोहण करता का सम्मान कर रहे हैं। ओम नमो अरहंताणम हर हर स्वस्ति स्वस्ते जिन धर्मोदोतनाय ध्वजारोहणम करोमि स्वाहा।
काशी नरेश जो बनने जा रहे हैं, बनारस के सम्राट बनने जा रहे हैं, कहने जा रहे हैं, भगवान के माता पिता बनना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन उनका प्रतिरूप धारण श्रावक करता है, ऐसा विधान है। तो रंजना देवी, विनोद जी, विशाल, रेशु, विकास, अंकिता, अभिषेक, वर्षा, मनीषा, श्वेता, विवान, रियान, अबीर, अबीरा, आर्यन, शिरीष, मंजू, सौमी, चिंता, चित्रांशी, रानी, रुंझुन, आदेश, सोनिया, आइए भाई, देख अच्छा है, आशीर्वाद सबको मिलना चाहिए। और इनका स्वागत करेंगे स्वागत अध्यक्ष राहुल जी, जिम्मी पधारे स्वागत करने के लिए, और उनके साथ रहेंगे निर्मल जी गोधा, कल्पना जी गोधा, कल्पना गोधा दिखाई नहीं दे रहे, कल्पना गोधा हमारे ट्रस्ट के यशस्वी अध्यक्ष निर्मल जी, कल्पना जी गोधा पधारिए, वह उनका अभिनंदन करेंगे। तेरे दर पे लगते मेले भगवान, दर पे लगते मेले ओ, तेरे दर पे लगते मेले भगवान, दर पे लगते मेले, तेरे भक्त बड़े की अल मेले, चलो रे जिन शरणम को, ओ चलो रे जिन शरणम को, कल्पना जिन शरणम में, जिन शरणम में चली हवा, अरे हो एक फूल समहका जाए, ये मन क्यों बहका बहका जाए, चलो रे जिन शरणम को, चलो रे जिन शरणम को। देखिए एक मिनट, मैं जिस स्वागतकर्ता का नाम लूं वही आना है ना, मेरा डिसिप्लिन मालूम है ना, यदि मैंने निर्मल जी का नाम लिया है तो निर्मल जी और कल्पना, दूसरे कोई भी ट्रस्टी आने की कोशिश नहीं करेगा। जिम्मी, कल्पना, निर्मल जी और राहुल स्वागत करें। जिन शरणम में चली हवा, जिन शरणम में चली हवा, अरे हो एक फूल समहका जाए, ये मन क्यों बहका बहका जाए, चलो रे जिन शरणम को, चलो रे जिन शरणम को। अरे स्वागत के समय ध्यान रखो कि विनोद जी, रंजना जी साथ खड़े हो, साथ साथ रहो, घर वाला माहौल पैदा मत करो, एक साथ रह करके स्वागत कराएं। चलिए, ओ तेरे दर पे लगते मेले भगवान, दर पे लगते मेले, तेरे दर पे लगते मेले भगवान, दर पे लगते मेले, तेरे दर पे लगते मेले भगवान, दर पे लगते मेले। चलिए हो गया, अगला नाम अखंड ज्योति का प्रज्वलन होगा, दीप प्रज्वलन होगा, जो सबका स्वागत करते हैं अब उनका स्वागत होगा, संगपति प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, राहुल, जिम्मी, रियान, इनका अभिनंदन करेंगे। अभी खुद ही स्वागत अध्यक्ष हैं, लेकिन उनका भी स्वागत होगा, इनकी फोटो खिंच गई हो तो बस हो गया स्वागत।
खत्म, खेल खत्म, चलो बैठ जाइए आराम से। दूसरों को भी अवसर दो। चलिए प्रदीप मामा इनका स्वागत करेंगे। स्वागत हमारे महामंत्री अजीत जी विनायकिया, सोनम विनायकिया, अजीत विनायकिया, सोनम विनायकिया, रात दिन जो मेहनत में जुटे हैं। अजीत की बहुत मेहनत, मेहनत तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन आने वाले लोगों की बातें सुनना, अव्यवस्था के लिए सब कुछ पचाना और सबको व्यवस्थित करना, अजीत सोनम विनायकिया। सोनम कहाँ है? वही हाल घर में, वही यहाँ। और मैं आवाज दे रहा हूँ हेमचंद जी झांझरी, मीना झांझरी आए और संगपति परिवार का यहाँ पर स्वागत करें। हेमचंद जी, मीना जी झांझरी हमारे मुख्य परामर्शक हैं पंच कल्याणक के, आइए पधारिए। जिन शरणम में चली हम, नैन्सी, प्रणीता, नेहा आ जाएं स्वागत करने के। आज पहला दिन है, व्यवस्थाओं में समय लगता है, आप भी समझते हैं विलंब हो रहा है, लेकिन यह कार्य भी करना पड़ेगा। यदि ये लोग नहीं होंगे तो इतनी सुंदर महफिल कहाँ से सजेगी, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा कहाँ से हो जाएगी। मानता हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है, उसके बिना कुछ नहीं हुआ करता है। जोरदार करतल ध्वनि से संगपति परिवार का स्वागत। और अब चित्र अनावरण जिन्हें लिया है, नील कमल जी अजमेरा, रेणुका अजमेरा, रतन देवी अजमेरा, अंशुल हर्षाली, ईशिता, मुकेश, इंदु, दिनेश, अनीता, समस्त अजमेरा परिवार यहाँ पर पधारे। आइए अजमेरा परिवार, आइए नील कमल जी, नील कमल जी अजमेरा कहाँ है? आगे आओ ना। हाँ बेटा, क्या बात है, तुम्हारे यहाँ सब सुंदर ही सुंदर पैदा हुए। आइए और इनका स्वागत करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं श्री अशोक जी बोहरा, जो मुख्य संयोजक हैं इस पंच कल्याणक के। अशोक बोहरा, सोमेश्वरी देवी बोहरा पधारें और इनका अभिनंदन करें। आइए अशोक जी बोहरा, तुम्हें उदयपुर का कहूं, बांसवाड़ा का कहूं या अहमदाबाद का कहूं, आइए एक समाज के गौरव हैं अशोक जी बोहरा, और यहाँ पर इनका अभिनंदन करेंगे नील कमल अजमेरा परिवार का। और स्वागत अध्यक्ष राहुल जिम्मी पधारें और इनका स्वागत करें। चलिए अशोक जी जरा फास्ट कर देना, मिशन अंतिम हो गया। हाँ चलिए, स्वागत सभा समाप्त होती है। जिनका स्वागत हुआ है वो ऊपर रहें, जिनने किया है वो नीचे जाएं। और सबसे पहले अब गुरुदेव का चरण प्रक्षालन होगा। आइए पहले क्रिया नहीं होगी, आइए पहले चित्र अनावरण करेंगे। कहाँ चित्र अनावरण हो रहा है? चलिए चित्र अनावरण के लिए पहुंचिए। सबसे पहले गुरुदेव का चित्र अनावरण होगा। नील कमल रतन देवी अजमेरा परिवार पहुंचे। विनोद जी, हेलो हेलो, फांदौत व्यवस्था बताएं किस तरह से चित्र अनावरण होना है। सभी की नयन अतृप्त हैं गुरुदेव के चित्र देखने के लिए, कैसे व्यवस्था होना है। विनोद जी फांदौत आपके संचालन में है, पंच कल्याणक हो रहा है, आइए बताइए किस तरह से यह चित्र अनावरण की प्रक्रिया होगी। बाकी लोग बैठ जाएं, बाकी सभी और देखिए, बाकी सब बैठ जाएं। हाँ। जो लोग अभी रुको, शांति शांति, एक एक कार्यक्रम। बाकी सभी सम्माननीय अतिथि से रिक्वेस्ट है, कृपया वो बैठ जाएं जब चित्र अनावरण हो तो। हमारे जितने सम्माननीय अतिथि हैं सभी बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं।
चित्र अनावरण के लिए अजमेरा परिवार पहुंचे। ऊपर स्टेज पर जितने भी सम्माननीय अतिथि है कृपया बैठ जाएं, थोड़ा पीछे स्क्रीन नहीं दिखेगी नहीं तो, प्लीज सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। कोई भी आगे आके दर्शन नहीं करेगा, जहां से भगवान महाराज दिखें वहीं से दर्शन करिए। आगे आने से भगवान के कोई चार हाथ नहीं दिखेंगे, दो ही दिखेंगे, नयन भी दो ही दिखेंगे, महाराज भी वैसे ही दिखेंगे। और हो सकता है कि कभी कभी आगे वाले पिक्चर अच्छे से नहीं देख पाते, पीछे वाले ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं। तो जहाँ से भी आप दर्शन कर सकते हैं दर्शन करें, आगे आने का प्रदर्शन नहीं करें। गुरुदेव के आशीर्वाद दूर से भी प्राप्त होते हैं, सूर्य आकाश में होता है लेकिन कमल को खिलाया करता है। दूर दूर तक जब मेरे गुरुदेव की निगाहें खुलती है ना, तो सबसे पहले पास वाला नहीं, सबसे पहले पीछे वाला दिखाई देता है, उसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ करता है। आइए करिए भाई, जल्दी फास्ट करिए, टाइम नहीं है। अरे रुको ना, करिए भाई। विनोद जी सभी, हाँ बाकी सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं, स्क्रीन नहीं दिखेगी नहीं तो प्लीज। चित्र का अनावरण किया जा रहा है। हो गया चित्रावरण, तुम लोग ताली बजाओ, बातों में लगे रहोगे तो क्या दिखाई देगा। ओहो और इस मंच पर खूबसूरत आचार्य विमल सागर महाराज, जो स्वर्ग से हमें आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं, पुण्य प्रदान कर रहे हैं। एक खूबसूरत सा चित्र आचार्य गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज के दरबार में लगा हुआ है। तुम्हारे लिए वह एक दीवार पर चित्र है, गुरुदेव के हृदय में विमल सागर की मूर्ति स्थापित है। ऐसे आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय जय जय। जिधर देखूं गुरुदेव के चरण प्रक्षालन का सौभाग्य। उमेश थोड़ा मंच पर आओ, दिखाओ तो कैसे चरण प्रक्षालन यहाँ पर होंगे। हमारे विनोद जी फांदौत के निर्देशन में रितेश की टीम ने और सोनम अजित के लगाव ने कैसा चरण कमल लेकर के यहाँ पर आए हैं, देखिए जरा दिखाइए लोगों को। जोरदार करतल ध्वनि से अनुमोदना करिए। यह कमल की बाजौट, यह कमल का सिंहासन जिस पर गुरुदेव अपने चरण कमल रखेंगे, और चरण कमल रखते ही उनके चरण उस कमल में उछल जाएंगे, चित्रित हो जाएंगे, उन्हें लेकर आप अपने घर जाओगे। और यह सौभाग्य हमारे तरुण जी काला परिवार को प्राप्त हुआ। और भाइयों सबसे बड़ी बात ये कि हमारे तरुण भाई साहब ने इस बोली को लिया है, और ये सुंदर सा जो पात्र है ये उन्हीं को दे दिया जाएगा, सदैव सदैव उनके यादगार के रूप में ये हमेशा उनके पास रहेगा। एक बार इस परिवार के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। तरुण जी काला अपने शीश पर गुरु का आशीष लिए कैसे अनुपम दृश्य के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। चरण कमल महाराज के हैं और उस पर अपने शीश पर लिखे हुए ऐसा लग रहा है जैसे कोई भरत राम की खड़ाऊं लेकर के जा रहा हो, ऐसे तरुण काला आज गुरुदेव के दरबार में आ रहे हैं। आइए परिवार के साथ शीश पर आशीष लिए चले आ रहे हैं गुरुदेव का चरण प्रक्षालन करने के लिए। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा, उठाइए दोनों हाथ ऊपर, मीठी मीठी तालियां भक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। गुरुवर के चरणों में चलो चलिए, चलो चलिए गुरुवर के चरणों में चलो चलिए, चलो चलिए ऋषिवर के चरणों में चलो चलिए, चलो चलिए चलो चलिए चलो चलिए चलो चलिए,
गुरुवर के चरणों में चलो चलिए, ओ ऋषिवर के चरणों में चलो चलिए। ऋषिराज के चरणों का प्रक्षालन किया जा रहा है। भाइयों, गुरुदेव का पाद प्रक्षालन हो रहा है, जरा दोनों हाथ जोड़िए, जुड़े हुए हाथ ऊपर उठाइए, पीछे तक सबके हाथ दिखना चाहिए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, मीठी मीठी तालियों के साथ पाद प्रक्षालन करें। चरण में कमल खिले खिले रे, आज ये सौभाग्य से मिले रे, चरण में कमल खिले खिले हैं, आज ये सौभाग्य से मिले हैं। जिस धरा पे पग पड़े, जिस धरा पे पग पड़े, वो तीर्थ से न कम, ऐसे हैं गुरु चरण। आपको नमन हे नमन हे नमन हे नमन 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 नमन। और संगपति अपने हाथों से यह गुरुदेव के चरण छूते हुए उनके चरण कमल तरुण काला जी को सौंपेंगे। सिर्फ दर्श मात से टले जन्म मरण, ऐसे हैं तेरे चरण। आपको नमन है नमन है नमन है नमन नमन हो नमन। अब एक समाज का यशस्वी व्यक्तित्व राजेश ए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिसने अपने व्यापार का साम्राज्य फैला रखा है, कोयले में भी हीरा होता है। आइए विनोद जी, रंजना जी जैन पधारें, गुरुदेव के हाथों में मां जिनवाणी समर्पित करेंगे, शीश पर जिनवाणी रखकर गुरुदेव का आशीष प्राप्त करेंगे। आइए विनोद जी परिवार। भाइयों, आज इन्हें जिनवाणी भेंट करने का सौभाग्य मिला है, और सबसे बड़ा सौभाग्य भगवान के माता पिता बनने का मिला है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए और भक्ति करते हुए आगे जिनवाणी भेंट करने के लिए जा रहे हैं। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, अवतार दे, माँ शारदे, अवतार दे। हम तो बालक तुम्हारे मेरी माँ, अवतार दे, माँ शारदे, माँ शारदे, अवतार दे। एक धर्मनिष्ठ परिवार, आरिका माँ देवमती का परिवार, जिसके संस्कारों में वैराग्य समाया था, एक नहीं पांच पांच पिच्छिधारी इनके घर में जन्म लिए, ऐसा सौभाग्यशाली परिवार जिनवाणी समर्पित कर रहे। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, अवतार दे, हम तो बालक तुम्हारे मेरी माँ, अवतार दे, माँ शारदे, माँ शारदे, अवतार दे। अखंड ज्योति प्रदीप मामा जलाएंगे जब अंदर की मांगलिक क्रियाएं होंगी। मैं चाहता हूं कि वह अंदर की भी ज्योति जलाने का उनको मैं सौभाग्य देता हूं, और बाहर के दीप प्रज्वलन का भी सौभाग्य प्रदीप मामा को दिया जाता है। आइए दीप जलाइए। दीप कहाँ जलाना? देखिए, ये होता है श्रद्धा से दिया हुआ दान, पूरी आस्था से
विशाल और रेशु ने ये किया है ना, क्या बात। और ये कॉलेज इनका चल रहा, स्कूल इनका चल रहा है। और जिनवाणी भेंट करना, और ध्यान रखना, जिनवाणी भेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो जिनवाणी जिसकी बरसों से गुरुदेव को चाहत थी कि मुझे प्रतिष्ठा ग्रंथ चाहिए, संयोग से वह ग्रंथ यहां पर समर्पित किया गया है। कोई प्री प्लान नहीं था, कोई विचार नहीं था कौन सा ग्रंथ दिया जाएगा। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठा ग्रंथ समर्पित कर देना, पंच कल्याणक का सौभाग्य हो जाया करता है। जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत। मनचाही वस्तु दी है, गुरुदेव भी आपको मनचाही वस्तु प्रदान करेंगे। हो गया ना, चलिए भाई, दीप प्रज्वलन। प्रदीप जी मामा, संपति परिवार, विनोद जी उनकी सहायता के लिए पहुंचे। विनोद जी फांदौत, क्या बात। जो संयम का पथ दर्शाए, जो संयम का पथ दर्शाए, जीवन में दीप जला जाए, तुम अपने अपने भाव बनाए, गुरु चरणों में आ जाना, तुम अपने अपने भाव बनाए, गुरु चरणों में आ जाना। जिनके आचरण ही मंगल होते हैं, जिनके चरण ही मंगल होते हैं, जिनका पद ही मंगल है, जिनका पद ही लोक में उत्तम है, जिनके पद की शरण को हर कोई प्राप्त करना चाहता है, ऐसे गुरुदेव आचार्य श्री पुष्प दंत सागर जी महामुनिराज, उनका जीवन मंगल है, उनके चरण मंगल हैं। लेकिन फिर भी सूरज की आरती ज्योति से होती है, गंगा का जल गंगा को चढ़ाया जाता है, ऐसे मंगला चरण स्वरूप हमारे गुरुदेव, उनके सामने उनकी कुछ भक्त ने, कुछ पुजारी ने, कुछ भक्त मंगला चरण लेकर आ रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से सूरज की आरती ज्योति से होते हुए आप यहां पर देखेंगे पंच कल्याणक का आगाज होगा। नेहा, नेहा का ट्रूप जहाँ भी है मंगला चरण के लिए आए, इसके बाद हाँ चलिए मंगला चरण के लिए। नेहा का ग्रुप म्यूजिक, म्यूजिक सुमिरन करो तो मन सवर जाए, सुमिरन करो तो मन सवर जाए, सेवा करो तो तन सवर जाए। इतनी गहरी हैं हमारे यहाँ पर बैठे हुए सभी आचार्य की बातें कि उन पर अमल करो तो मंगल हो जाए। अपने मंगल को बनाए रखते ही आप कुछ ही देर में आपके सामने मंगला चरण लेकर आ रही हैं हमारी ये कुछ बहनें। देखिए जब तक वो आ रही हैं, मैं आपको निर्देश देता हूं गुरुदेव के आशीर्वाद और आज्ञा से, कोई भी इस प्रांगण में जूते चप्पल लेकर नहीं आएगा। यदि आप इस प्रतिष्ठा को सफल बनाना चाहते हो, मेरे परिश्रम को सार्थक करना चाहते हो, कोई भी जूता चप्पल लेकर इस प्रांगण में प्रवेश नहीं करेगा, कोई भी यहां पर ऐसी कोई चीज़ नहीं करेगा जिससे इस धर्म की मर्यादा को ठेस पहुँचती हो। ये ऊपर आज मंडप शुद्धि हो जाएगी, बिल्कुल पवित्रता का ध्यान रखिए। ये कोई शादी विवाह का महोत्सव नहीं है, शादी विवाह नहीं है, ये एक पाषाण को भगवान बनाने का एक प्रतीक उपक्रम है। आप सबसे केवल मैं सहयोग चाहता हूँ, कोई भी जूते चप्पल नहीं, कोई भी पान मसाला नहीं, कोई भी दारू सिगरेट नहीं, ये तो होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी आप जिस तरह से आप दरवाजे के बाहर चप्पल छोड़कर आएंगे, अपनी बुराइयों को भी वहीं पर छोड़ करके आएंगे।
तब आपको प्रतिष्ठा का आनंद मिलेगा। विशेष ध्यान रखें, इन दिन रानी रात्रि भोजन नहीं कर सकेंगे। आज से किसी को भी रात्रि में भोजन नहीं मिलेगा। ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, धर्म का पालन करना होगा। अभक्ष भक्षण नहीं करेंगे। केवल नाचने गाने का महोत्सव नहीं है, ये त्याग तपस्या चरित्र का महोत्सव है। ये बैरागियों का मेला है, ये वीतरागियों का मेला है। इसमें सभी लोग अपनी मर्यादाएं बनाए रखें, बार बार बोलना ना पड़े। टीम आ चुकी है, अब आप जागृत होकर के इस महामहोत्सव का मंगलाचरण देखिए। चारों दिन रात हो रही है एक ही बात, भक्ति के द्वार अब तो खोल। जिन शरणम पुकारे हाँ पुकारे, सारे जन बंधु चले आए। जिन शरणम पुकारे हाँ जी हाँ, पुष्प दंत सागर जी बुलाए। जिन शरणम पुकारे हाँ पुकारे, पंच कल्याणक बुलाए। जिन शरणम पुकारे हाँ जी हाँ, पुष्प दंत सागर जी बुलाए। नक्की बात पक्की बात, जैन बंधु की सौगात, जिन धर्म का हल्ला बोल। जिन शरणम पुकारे हाँ पुकारे, सारे जैन बंधु चले आए। जिन शरणम पुकारे हाँ जी हाँ, पुष्प दंत सागर जी बुलाए। जिन शरणम पुकारे हाँ पुकारे, पंच कल्याणक बुलाए। जिन शरणम पुकारे हाँ पुकारे, पुलक सागर जी बुलाए। देखिए, ये बहुत मेहनत विनोद ने की है। कह सकता हूँ कि रात दिन उसने एक किया है इस कार्यक्रम के समायोजन में। कितना खूबसूरत मंगलाचरण। अभी तो ये झांकी है, अभी पूरा पंच कल्याणक बाकी है। देखिए नज़ारा यहाँ का। बहुत बहुत मैं विनोद को आशीर्वाद देता हूँ। ये विनोद का पुत्र है, हृदय है, हृदय हार्ट, मेरा भी हार्ट है और छोटे से मेरे साथ है। बता दूं? नहीं नहीं बता दे। जब छोटा था तो मेरे पास आता था, कपड़े उतार के फेंक के मेरे बाजू में बैठ जाता था। कपड़े पहनते ही नहीं था, मुझे देखा और कपड़े उतारे। बड़े हो के नियत बदल गई, अब क्या कह सकते हैं। लेकिन बहुत सुंदर इसने यहाँ प्रस्तुत किया। जोरदार करता ध्वनि से हृदय का यहां पर सार, हृदय से स्वागत होना चाहिए। और आदरणीय तरुण जी काला मंगल घट की स्थापना करेंगे। अंतिम है आदरणीय तरुण जी काला, जिन्होंने यहां पर अपनी बहुमूल्य चंचला लक्ष्मी को समर्पित करके सौभाग्य प्राप्त किया। वह मंगल घट स्थापना पंडित जी प्रतिष्ठाचार्य जी का यह विषय है। अंदर होगा बाहर? वो चलो अगला कार्यक्रम। प्रदीप जी मामा अखंड ज्योत जलाने के लिए पंडित जी के पास प्रतिष्ठा मंडप पर पहुंचे। आगे का कार्य देखिए। आप चाहते हैं कि यह प्रतिष्ठा सानंद संपन्न हो, हाथ उठा के विश्वास दिलाइए। क्या आप चाहते हैं यह प्रतिष्ठा सानंद संपन्न हो? क्या आप चाहते हैं कि तनाव रहित प्रतिष्ठा संपन्न हो, कषाय रहित प्रतिष्ठा संपन्न हो,
यदि आप चाहते हैं तो एक बात का ध्यान रखना, आपको पूरा आनंद आएगा। शर्त इतनी रहेगी कि आपको हमारी व्यवस्थाओं में सहयोग देना पड़ेगा। समझ आ रहा? काय में सहयोग देना है। आपने तीर्थ पे सहयोग दिया, मंदिर में सहयोग दिया, निर्माण में सहयोग दिया, यहाँ इंद्र बनने में सहयोग दिया। बस एक निवेदन है आपसे, व्यवस्थाओं में सहयोग प्रदान कर। दूर कमरा मिला, क्या हुआ? कितना दूर होगा? 1 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, मेरे गुरुदेव 1300 किलोमीटर चलकर आए हैं। किस दूर कमरे की बात करते हो? वाहन पे चलना है, सबके पास वाहन है, जिनके पास नहीं है उन्हें सुविधा दी जा रही है। कक्ष दूर हुआ तो क्या हुआ? तुम इतनी सी दूरी में घबरा गए? हमें तो 7 राज्यों दूरी तय करना है और हम नहीं घबरा रहे हैं, हमें तो मोक्ष की दूरियां तय करना है। दूरियों से मत घबराओ, दिल भगवान से जोड़ो। कमरा कैसा मिला? कमरा देखने आए या प्रतिष्ठा देखने को आए हो? कमरे तो घर में भी मौजूद थे, एसी नहीं चल रहा, अब नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा, अपना मन तो भगवान के चरणों में चल रहा है, इसका ध्यान रखिए। भोजन कैसा मिला? अरे पागल हो क्या? इस पंडाल में एक भी ऐसा भक्त ना होगा जिसके घर में भोजन ना हो। है कोई? हाथ उठाओ जरा। एक से एक भोजन करते हैं यहां मेरे साथियों, मेरे जिन भक्तों, जिन शासन के दुलारों, यहां भोजन करने नहीं, भगवान का भजन करने के लिए यहां पर हम पधारे हैं। भगवान का भजन करो। थोड़ी सी अव्यवस्था हो घबराओ मत, इतने बड़े बड़े तपस्वी यहां बैठे हुए हैं और आप उनकी तपस्या से इतना तो सीखो अपने जीवन में कि कैसे हमको तपश्चरण की अनुमोदना करना है। ये उनका पंच कल्याणक थोड़ी है जिनके पास तपस्वी ही नहीं होते हैं, ये तो उनका पंच कल्याणक है जिनके पास आचार्य उपाध्याय साधु हुआ करते हैं। इनके पास नियम है, साधना है, वैराग्य है। इनके पास आकर साधन नहीं मांगना, इनके पास आकर साधना मांगना, ध्यान रखना। मैं एक बात कहूंगा, आज 17 तारीख है, 22 तारीख को याद रखना, ये 1008 पाषाण के बिंब जो यहां पर आए हैं। 17 तारीख को पाषाण आया है, 22 तारीख को भगवान बनकर लौट करके यहां से जाएंगे। जब यहां से लौटेंगे ये मूर्ति नहीं रहेगी, ये मूर्तिवान हो जाएंगे, ये ईश्वर हो जाएंगे, भगवान हो जाएंगे। तो एक बात बताओ, दूर सुदूर से आए जिन शासन के उपासकों, जिन शासन के आराध्य को, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक पत्थर भगवान बनकर लौटेगा, क्या हम एक भक्त बनकर भी वापस नहीं लौट सकते हैं? और यदि नहीं लौटे तो हमारा आना व्यर्थ हो जाया करता है। कोई शिकायत मत करना, जब जब तुम शिकायत करते हो ना, मुझे वेदना होती है, मुझे कष्ट होता है। आज अभी शिकायत हो रही थी, गुरुदेव मेरा हाथ पकड़े हुए थे, उन्होंने संभाला, मेरा चेहरा देख करके बोले, तुम अपने लक्ष्य पे ध्यान रखो, कौन क्या कहता है उस पे दृष्टि मत रखो, अपने भगवान की प्रतिष्ठा करो, उस पर ध्यान दो। इनकी व्यवस्था हुई या ना हुई ये मत सोचो, तुम्हारे भगवान भगवान बनने जा रहे हैं, तुम अपना मन भगवान के चरणों में लगाओ। मालूम है इसीलिए मैंने गुरुदेव को बुलाया है, क्योंकि जितने नीचे बैठे वो शिकायत करने वाले हैं और जो मेरे सर पे बैठे वो मुझे संभालने वाले हुआ करते हैं। आज वो हैं तो मैं संभल रहा हूं, कौन धीर बंधाएगा? हर व्यक्ति का अपना स्वाभिमान, हर व्यक्ति की अपनी आकांक्षाएं, हर व्यक्ति की अपनी इच्छाएं हैं, मुझे संभालने वाला कौन है? मुझे संभालने वाले कोई है तो आचार्य गुरुदेव पुष्प दंत सागर जी मां। और एक बात कहता हूं, जगत संभाले या ना संभाले, इन्होंने संभाल लिया ना तो फिर मुझे किसी की जरूरत नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, मुझे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन
मेरे धर्म को तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुम श्रावक हो ना, तुम श्राविका हो ना, तुम्हारे बिना मेरा धर्म आगे नहीं चल सकता है, इसलिए मुझे तुम्हें बुलाना पड़ता है, तुम्हें याद करना पड़ता है। और ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें आवाज देकर बुलाया, अभी भजन चल रहा था, पुलक सागर ने बुलाया, मैंने नहीं बुलाया, पारसनाथ भगवान ने तुम्हें बुलाया है, चिंतामणि भगवान ने तुम्हें, हम तो एक संदेश वाहक हैं, हमने संदेश दिया है, बस प्रतिष्ठा भगवान की हो रही है। मैं समाज के, पंच कल्याणक के सभी प्रतिष्ठित लोगों से कहूंगा, अपनी प्रतिष्ठा में धक्का लग जाए तो लग जाए, भगवान की प्रतिष्ठा में धक्का नहीं लगना चाहिए, भगवान की प्रतिष्ठा आनंद से होना चाहिए। ये मत सोचना कि हमें नहीं पूछा, हमें नहीं बुलाया, हमें माला नहीं डाली, पागल हो गए हो क्या, तुमने भगवान के चरणों में शीश रख दिया, इससे बड़ा सौभाग्य दुनिया में कोई दूसरा नहीं। अपनी चित्त वृत्तियों को कल बहुत लग गए, हमें कमरा नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, आज से सब लोग इस बात का त्याग कर दें। ध्यान रखिए, साधर्मी तो वो होता है भगवान का समोसरण लगा है, यहाँ तो दुश्मनों को भी जगह मिला करती है, आप तो भगवान के भक्त हैं। ध्यान रखिए, क्या आप कह सकते हैं कि आप मुझे बिल्कुल निर्विकल्प रखेंगे, कोई शिकायत नहीं देंगे, कोई कष्ट नहीं देंगे, मैं समझूंगा तुम मेरे चरण दबाने आओ या ना आओ, मेरा मन प्रसन्न रखो, इससे बड़ी भैया वृत्ति कोई दूसरी नहीं हुआ करती है। एक बात याद रखना, मेरा धर्म है मैं तुम्हारे मन का ख्याल रखूं, और तुम्हारा धर्म है तुम हमारे तन का ख्याल रखो। इस चीज के बाद मैं ज्यादा प्रवचन नहीं करूंगा। परम पूज्य गुरुदेव जिनकी एक वाणी को सुनकर हम लोगों ने संसार छोड़ दिया, जिनके एक शब्द को सुनकर वैराग्य हिलोरे मारने लगा, जिनके रूप को देख करके संसार से मन उदास हो गए, एक तुम्हारे करीब आने से हम जुदा हो गए जमाने से, ऐसे मेरे गुरुदेव जिन्होंने हमें संसार से बाहर निकाल लिया है, जिन्होंने आज यहां लाकर बिठा दिया, अपने बाजू में लाकर बिठा दिया है, जिनकी वाणी से कर्म सहम जाया करते हैं, जिनके शब्दों से जीतर का मिथ्यात गल जाया करता है, जब से मैंने गुरुदेव के चरणों में शीश रखा है मुझे लगता है मेरा जन्म नर जन्म पाना सार्थक और सफल हो गया है। आओ, जिसकी वाणी ने इतने बैरागी तैयार कर दिए हैं उनके सामने मेरी वाणी, मेरी वाणी तो तुच्छ हुआ करती है। गुरुदेव की अमृत वाणी को आप सुनिए एकाग्र चित्त होकर, आज गर्व कल्याणक की सब क्रियाएं चलेंगी, वह निर्देशन पंडित जी स्वयं अपने मुख से देंगे, लेकिन मैं गुरुदेव से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, अनुनय करता हूं, विनय करता हूं, श्रावक क्यों आमंत्रण देगा, तीर्थंकर को गणधर आमंत्रण दिया करते हैं, मैं आमंत्रण दे रहा हूं, बिखेरे अपनी वाणी और इन अतृप्त मनों को तृप्त करने का प्रयास करें, ये चातक के समान आपको ताक रहे हैं कि कौन चंद्रमा होगा जो चकोर के मन को तृप्त करेगा। मैं आग्रह करूंगा गुरुदेव से बड़ी विनम्रता के साथ, ये भव्य जीव यहां पर बैठे हैं आपकी अमृत वाणी का पान करने के लिए, मंच माइक व्यवस्था से मैं कहूंगा कि आप आए और भगवान की इस वाणी को जन जन तक पहुंचाने वाले यंत्र का यहाँ पर उपयोग करें, क्योंकि ये काम देवताओं का काम हुआ करता है जो भगवान की वाणी को समोसरण में फैलाया करते हैं। गुरुदेव की अमृत वाणी का पान करें, एक बार मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री पुष्प दंत सागर जी महाराज की। मंगलम भगवान वीरो, बोलिए मंगलम भगवान वीरो, मंगल
भगवान वीरो सभी बोलेंगे मंगलम गौतमो गणी मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुष्पदंताद्यो मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम 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 24 तीर्थंकरों के चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य आचार्य गुरुवर विमल सागर जी महाराज जिन्होंने मुझे यह नग्नता प्रदान की उनको प्रणाम करते हुए और उस माँ को जो मुझे सन्यास के पद पे ले आई और ये मुद्रा दिलाई उस माँ को प्रणाम करते हुए मैं पुलक सागर जी महाराज को बड़े मनोयोग से सुन रहा था आनंदित हुआ और आज वो पहला दिन है गर्भ कल्याणक का गर्भ शब्द का अर्थ गर्भ के साथ जन्म लेने वाले का कल्याणक बड़े गर्भ के साथ जिसका जन्म हुआ है स्वर्ग के देवता जहाँ घंटियाँ बज उठी घर में आते ही सो धर्मेंद्र को भी ज्ञात नहीं था कि हमारे इस स्वर्ग में हमारी सन्निधि में कोई ऐसी आत्मा विराजमान होगी और वह तीर्थंग का रूप लेकर के जन्म लेगी वही गर्भ कल्याणक है कि एक गर्भ की सुरक्षा एक गर्भ का देखभाल हमें कैसे करना चाहिए हमें संतान को कैसे जन्म देना चाहिए और कैसे संस्कारों के साथ देना चाहिए वो सारी प्रक्रिया यही है माताओं बहनों को गर्व होना चाहिए कि हमें जीने की कला सिखाई जा रही है हमें एक ऐसे परमात्मा को जन्म देने की हमारी प्यास जगाई जा रही है कि हमारी जिंदगी में वो दिन वो क्षण कब आए जब हमारी कोख से एक तीर्थंकर का जन्म हो जाए गर्भ कल्याण का मकसद ही कुल इतना है गहरा नहीं है कि हम गर्भ में आए हुए उस आत्मा को हमें ज्ञात नहीं है वह स्त्री है या पुत्र है हमें ज्ञात नहीं है कि वो आत्मा कहाँ से आ रही हमें ये भी पता नहीं कि वह आत्मा कैसी होगी इन पंच कल्याणक के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है कि उस माँ ने कितना संघर्ष किया होगा कितनी साधनाएं की होगी कितने उपास किए होंगे कितनी प्रार्थनाएं की होंगी जब उसके घर के गर्भ के अंदर वह आत्मा जन्म लेने के लिए आई होगी गर्भ कल्याण जो हमारे गर्भ को बढ़ाएगा हमारी इज्जत को बढ़ाएगा हमारे जीवन को बढ़ाएगा और हमारे संसार को घटाएगा क्योंकि नियामक है कि जो तीर्थंकर की माँ बनती हैं उन्हें अगले भाव में उनको भी निर्वाण की प्राप्ति होती है हमारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र जन्म ले रहा है जो सृष्टि का निर्माता होगा
जो आपके सम्यक का कारण होगा, जो आपके निर्माण का कारण होगा, जो आपकी जिंदगी के निर्माण का कारण होगा, और जिसके जन्म से हमारा जन्म सुधरेगा, हमारी जिंदगी सुधरेगी। इसे नाटक मत समझना, ये हमारे पुण्यदों का वक्त है कि आज हम ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहाँ कहा जाता है कि परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया है। और मैं कहता हूँ कि सृष्टि का निर्माण परमात्मा ने नहीं किया, हमारे निर्वाण का कारण परमात्मा बना, हमारे निर्वाण का कारण बना। हम ऐसे खानदान में पैदा हुए। आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, यहाँ विद्वान लोग भी हैं, पंडित जी भी हैं। आपने कभी सोचा है कि जब आप मंदिर में जाते हैं, आधा चंद्रमा बनाते हैं और उसमें तीन बिंदी रख देते हैं, क्या जरूरत थी आधा चंद्रमा बनाने की, तीन बिंदी रखने की? तो उससे बहुत गहरी बात प्रकट होती है। अभी जितने गहरे रहस्य महाराज जी ने प्रकट किए हैं, उससे और गहरी बात प्रकट होती है कि तुम एक ऐसी भूमि पर बैठे हो, पूरा 14 राजू का ये लोग, 7 राजू तुमने काट लिए हैं पिछले जन्म की प्रार्थनाओं के कारण से, और जैन कुल में ये इंसान के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ है, तो वो आधा चंद्रमा बना है। सिर्फ 7 राजू शेष है टोटल। उस 7 राजू के बीच में हमें 3 बिंदी के ऊपर आ जाना चाहिए, उस शून्यता के पास आ जाना चाहिए, और थोड़ी देर आंखें बंद करके सोच लेना चाहिए कि 3 शून्य क्यों लगे हैं, क्यों लगे हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये 0 तुम्हारे पास आए हैं कि 7 राजू की यात्रा तुमने पूरी कर ली है, 7 राजू शेष बचा है। अगर परमात्मा के प्रति, दोस्त सास गुरु के प्रति आत्मिक श्रद्धा अगर हमारी जन्म होती है, हमारी कसाएं सुन हो जाती हैं, हमारी वासनाएं सुन हो जाती हैं, हमारी इच्छाएं सुन हो जाती हैं, तो उसी समय सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है। और सम्यक दर्शन जिस आत्मा को प्राप्त होता है, वह अर्ध पुद्गल प्रावर्तन के बीच में नियम से निर्वाण को प्राप्त होता है, नियम से प्राप्त होता है। तो आज आपने बहुत कुछ सुना है, अभी बात अधूरी है, पूरी नहीं करूँगा। कुछ रहस्य बचा के रख लिया करो, कुछ रहस्य बचा के बतली रख लिया करो, हर बातें किसी के कान में मत कहा करो। कुछ रहस्य बचा के रख लिया करो, सब बातें किसी के कान में मत किया करो। जब सोने के लिए जाओ तो अपने से एक प्रश्न करो कि आज तुमने 24 घंटे में कौन सा अच्छा काम किया है, आज तुमने 24 घंटे में कौन सा अच्छा काम किया है। अगर वो अच्छा काम नजर आए तो उसे फॉलो किया करो। यही तो है सम्यक, यही तो है श्रद्धा, यही तो है निर्माण। आपने कभी ख्याल किया सारे गामा पादा नी, कितने शब्द हैं ये, सा रे गा मा पा धा नी, 7। सामान्य संसार, सामान्य साधना, और नी माने निर्माण। तुम्हें संसार के अंदर तुम्हारा जन्म हुआ है तो निर्माण के लिए हुआ है। तो मुख्य बात आपसे इतना ही कहता हूँ कि सिर्फ आप एक माँ, एक बहन,
एक बेटी सोचे कि अगर मेरे घर के अंदर, मेरे उदर के अंदर अगर कोई चेतना आ जाई है तो मैं उसका लालन पालन कैसे करूं, मैं अपनी इच्छाओं का दफन कैसे करूं, मैं अपनी आदतों को कैसे सुधारूं और मेरे जज्बातों जो मेरे अंदर पैदा होते हैं, जो इच्छाएं पैदा होती हैं, जो कामनाएं पैदा होती हैं, जो वासनाएं पैदा होती हैं, उन्हें मैं तिलांजलि देती हूं। मेरे गर्भ के अंदर कोई परमात्मा आया है जो मुझे ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। मेरी बात यही समाप्त रखता हूँ, फिर मौका आएगा तो फिर आपके पास आऊँगा। महाराज पुलक सागर जी ने कहा कि कुछ कहे दो, बेटे हैं हमारे, माँ अपने बेटे को पालती है, डांटती है, फटकारती है, लेकिन मैं कुछ नहीं किया, मैंने प्यार से प्रेम से। और आज इनका ज्ञान देख के, उनका चारित्र देख के, उनकी साधना देख के, उनका चिंतन मनन देख करके, उनका चित्त देख करके मैं इतना गदगद हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है, कोई भी शब्द नहीं है मेरे पास। मैंने बहुत साधक देखे हैं, मिला भी हूँ, और कई बार मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं कि अभी तक मुझे वो साधक नहीं मिला जिसके अंदर प्यार हो, प्रेम हो और आत्मा की गहराई हो। लेकिन जब इनको सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, नहीं पुष्पदन, तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हारे ही खानदान में तुम्हारे पास बैठा है। मुझे तुम्हारी ताली नहीं चाहिए, तुम्हारे अंदर तुम्हारा चारित्र चाहिए मुझे। मेरा बात पूरी हो गई, खत्म। देखिए गुरुदेव के वात्सल्यमय आशीर्वाद मिला। और महाराज जी आशीर्वाद तो एक तरफ रखो, आपने मुझे यहाँ बुला करके इतना अच्छा अवसर दिया कि मेरे अंदर बहुत कुछ चीज़ें फूल सी खिल रही हैं, समय पर बहुत ज़्यादा। चलिए, और अभी यहाँ पंडित जी का विधि विधान चलेंगे। अखंड सौभाग्यवती का सौभाग्य प्राप्त किया है मोनिका जी, अनिल जी की पुत्र वधू, और भिलाड़ वाले मोनिका आई है क्या? हाँ आ गया बेटा, ये गुरुदेव से के द्वारा संस्कारित है, इटावा की बच्ची है। हमारा चातुर्मास गुरुदेव के चरणों में इटावा में हुआ था, तब से ये परिवार जुड़ा हुआ, भिलाड़ में इसका विवाह हुआ है। अखंड सौभाग्यवती, जिसके सास ससुर भी जीवित होते हैं, जिसके माता पिता भी जीवित होते हैं, जिसकी पहली संतान पुत्र हुआ करती है, ऐसी सौभाग्य को लेकर के जिनेंद्र भगवान की विधि करने के लिए मोनिका यहाँ गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुदेव के शिविर अटेंड किए हैं उसने, इटावा में गुरुदेव की बहुत आशीष छाया में रही है, और उसने सौभाग्यवती का सौभाग्य प्राप्त किया है। अनिल जी और मम्मी नीरा वह भी भिलाड़ से पधारे, उसका नाम ऋषि भूल जाता हूँ, क्योंकि ऋषि ही ऋषि को भूल जाता है। आइए ऋषि परिवार आए, जोरदार करतल ध्वनि से इसके सौभाग्य का स्वागत करो जिसे जिनेंद्र भगवान की क्रियाएं करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। पूरा परिवार गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित करके अपनी चित्त वृत्तियों को भी समर्पित करे और आशीर्वाद प्राप्त करे अखंड सौभाग्यवती का। और मैं एक यहाँ पर हमारे विनोद जी जो पंच कल्याण के अध्यक्ष हैं, भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य अर्जित किया है, उनके अनुज उनके छोटे पुत्र यहाँ पर पधारे हैं,
विक्की और अंकिता। विक्की अभी दिखे तो थे मुझे, कहाँ है? विक्की अंकिता आए, गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। विक्की शुरू से हमारा लाडला रहा बचपन से, आज बहुत बड़ा हो गया है, पूरा व्यापार, हाँ पूरा परिवार समर्पित रहा। आइए, और छोटे लाडले से अब स्टार के पोस्ट पर जा रहे हैं, और बहुत समर्पित अंकिता लोखंडे, कौन इसे नहीं जानता, हर कोई जानता है। आए गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें, यहाँ आकर जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत अभिनंदन हो। बहुत सुंदर उसने मकान बनाया है, वहाँ मैं गया था। और आज दोपहर को सची इंद्राणी और आठ इंद्राणियां और जो मुख्य पात्र हैं वह विधि विधान के लिए पहुंचे। अब तुम्हारा काम शुरू होता है। सची, ईशान, कुबेर, सानत कुमार, महेंद्र, इनकी इंद्राणियां पीछे पंडित जी के पास वहां पर पहुंचे। यज्ञनायक कल्पना देवी और प्रिया अग्रवाल, रेणु अजमेरा, सीमा फांदौत, मधु ठोलिया, ये प्रमुख पात्र हैं, ये विधि संपन्न कराएंगे। आशीष जी आए और गुरुदेव से आशीष प्राप्त करें, बहुत बहुत आशीर्वाद। राम कुमार जी, अखंड सौभाग्यवती स्वागत अध्यक्ष भजन, एक मिनट, अच्छा एक मिनट, राहुल जिम्मी इनका स्वागत करें, अखंड सौभाग्यवती का राहुल जिम्मी आ जाएं, और हमारे विनोद जी फांदौत अपने बच्चे का स्वागत करो। आइए चलिए, बस अंतिम है, बाकी दोपहर को माता की गोद भराई होगी बामा देवी की। सभी इंद्राणियां, पूरे लोग माता की गोद भराई के कार्यक्रम, गर्भ कल्याणक की क्रियाएं यहां पर होंगी। आवाज दे रहा हूं उमेश को, बस एक अंतिम, दो मिनट बैठ जाए, दो मिनट, जब तक संग नहीं उठा आप कैसे उठ सकते हो? और मैं तो भगवान से कहता हूं कि धर्म सभा से किसी को नहीं उठाए, बैठे रहो थोड़ा सा। उमेश जी आए, और आज शाम को भगवान की और गुरुदेव की बृहद आरती यहां पर होगी, हजारों दीप ज्योत्सना से आरती होगी भगवान की, गुरुदेव की संग में आरती होगी। कौन सौभाग्यशाली चक्रवर्ती बनकर के सौभाग्य अर्जित करेगा? बग्गी पर सवार होकर बैंड बाजों के साथ जिन शरणम तीर्थ से सवारी चलेगी, और यहाँ आरती का सौभाग्य उस परिवार को प्राप्त होगा। सारे चैनल पर वह दिखाए जाएंगे, भगवान की अज्ञान तिमिर हर आरती यहाँ पर होगी। एक बोली फटाक से समाप्त। आइए भाइयों, कौन भारती आज करेगा गुरुदेव और प्रभु की आरती? निश्चित मान के चलना कोई सौभाग्यशाली होगा जिसे चक्रवर्ती बनाकर जिन शरणम तीर्थ क्षेत्र से गाजे बाजे के साथ पूरे लवाजमे के साथ उसे लेकर आएंगे और यहाँ पर मंच पर भगवान जिनेंद्र की आरती करेगा। पता नहीं ये आरती गंगा आरती होगी, गंगा के तट पर जैसी होती है, आरती करने वाले बाहर से लोग आए हुए हैं, भव्य आरती होगी, देखने को आपको मिलेगी। जल्दी से सौभाग्य अर्जित करें, एक मिनट की बोली बस। चलिए कहां से शुरू करें इस बोली को? कौन सौभाग्यशाली है जो आज जिनेंद्र प्रभु की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? बोलिए कहां से शुरू करें इस बोली को? 1,01,111 रुपया, 1,01,111 रुपया। बोलिए यह सौभाग्य जो शाम को गंगा आरती होगी उस परिवार की ओर से महा आरती होगी। बोलिए 1,01,111 रुपया, 1, 2, 2.5। और कोई भाई? चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य, पूरा लवाजमा चक्रवर्ती का दरबार जैसा, चक्रवर्ती की अक्षौणी सेना आरती करने के लिए यहाँ पर आएगी। चलिए 1,51,551 रुपया, 1,51,551 रुपया। बोलिए कौन ऐसा भाग्यशाली है जिसे ये सौभाग्य मिलेगा? 2,02,212 रुपया, 2,02,212 रुपया। ये गंगा आरती होगी ठोलिया जी, जैसे गंगा के तट पर आरती होती है वैसी ये आरती यहाँ पर होगी। 2,02,212
2,51,551 रुपया, 3,03,000, 5,05,505 रुपया। क्या बात है, ये हमारे ट्रस्ट हमारे अध्यक्ष जी गए हैं, लेकर ही आएंगे। हाँ जी, निर्मल जी जब आगे बढ़े हैं और किसी के समक्ष खड़े हो गए हैं तो निश्चित उसके भाव और पुण्य बनेंगे। 5,05,505 रुपया, 1, 2, 2.5, 3, 2,90, 95, 2 लाख वाले भाई देख लो, मन हो भाव हो, 5,05,505 रुपया, 1, 2, 2.5, 3, और ये और कोई महानुभाव, 3 टाइम नहीं, यह सौभाग्य लिया है श्रीमान सोहन जी कलावत। सोहन जी नहीं, किसको मिला, सोहन को ही नहीं मिला ना, श्रीमान सोहन लाल, सोहन जी अभिषेक जी कलावत परिवार आइए, एक बार जोरदार ताली स्वागत करिए, इंद्र बनने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ है, आइए इनका स्वागत शाम। वैसे ही तुम सजे धजे बैठे हो बेटा, अखिलेश पंडित जी इधर आ जाए एक मिनट के लिए। देखिए बस एक सूचना, श्रीमती प्रतिभा देवी मामी, यज्ञ नायक, कांता देवी, योगिता अजमेरा, सरला पाटनी, मधु वाणावत, खुशबू ठोलिया, साधना जी सूरत, सोमेश्वरी देवी और सरिता जैन सूत वाले, ये यज्ञ नायक हैं, ये सभी लोग वहाँ पर राखी सौगानी, ये सभी लोग भगवान की विधि करने के लिए पहुँचिए, प्रतिष्ठा करने के लिए पंडाल के अंदर। आपका भव्य स्वागत शाम को होगा, कैसे स्वागत होगा वह देखना। बस हमारे एक बैरागी आत्मा जिन्हें बैराग्य की हिलोरें ले रही हैं, हमारे देवीलाल जी जो अमरावती के रहने वाले हैं, गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित करेंगे, उनको जैनेश्वरी दीक्षा की चाहत है, गुरुदेव यहाँ पर उपस्थित हैं, आइए आशीर्वाद प्राप्त करिए। देवीलाल जी हमारे ब्रह्मचारी जो दीक्षा धारण करेंगे, गुरुदेव से आशीर्वाद ले। देखिए पंडित जी साहब सूचना दे रहे हैं, सभी इंद्र ध्यान से सूचना को सुने, सभी पात्रों को ठीक एक घंटे बाद दोपहर में 2 बजे से यागमंडल विधान यहाँ पर आरंभ होगा, सभी पात्र शुद्ध वस्त्रों में आपको यहाँ पर ठीक 2 बजे पहुँच रहे हैं, आपकी इंद्र प्रतिष्ठा होगी, सकलीकरण होगा, यागमंडल विधान संपन्न होगा, उसके बाद ठीक 4 बजे माता की गोद भराई संपन्न होगी। चलिए भाई चलिए, पंडित जी के आदेश जो भी हो उसे मान्य करिए, और सकल प्रमुख पात्र इंद्राणी जो भी हैं, ब्रह्म ब्रह्मोत्तरलांतो कापिष्ट, सभी भगवान की वेदी शुद्धि में अंदर पहुंचिए, मीना झांझरी भी पहुंचिए, सभी जो भी प्रमुख पात्र बने हैं सभी वेदी शुद्धि में पहुंचिए। और सभी पात्र ध्यान से सुने, ठीक 2 बजे आपको यहाँ उपस्थित होना है, इंद्र प्रतिष्ठा यागमंडल विधान, आपको इंद्र नियुक्त किया जाएगा, सभी यज्ञ नायक महायज्ञ नायक ईशान सनत कुमार महेंद्र आनंद प्राणत इत्यादि सभी इंद्र ठीक 2 बजे यहाँ पर उपस्थित होंगे, समय का ध्यान रखें, यही इसी पंडाल में आपको उपस्थित होना है, भगवान के माता पिता की जो गोद भराई है वो ठीक 4 बजे होगी, सभी लोग अपनी तैयारी खुद से कर यहाँ उपस्थित होंगे। एक ऐतिहासिक महामयी माता की गोद भराई का आयोजन होगा, आप सबको 5 टोकन दिए गए हैं, शुद्ध वाले शुद्ध भोजनशाला में पहुंचे और सामान्य वाले सामान्य भोजनशाला में, वीआईपी वाले वीआईपी भोजनशाला में पहुंचे, आप सबसे निवेदन है पुणे 2 बजे आपको उपस्थित होना है, बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्रों का भोजन वही पंडाल अलग से बनी है, इन इंद्राणियों की मुख्य पात्र जितने भी हैं उनकी जिनशरणम तीर्थ में जो भोजनशाला है वह है, मुख्य पात्र और मुख्य पात्र के फैमिली के जो मेंबर हैं, गोल्डन कार्ड और सिल्वर कार्ड वाले उनकी सबकी वहाँ है, और बाकी जो हमारे सम्मान्य अतिथि है वो भी जिनशरणम तीर्थ की भोजनशाला में भोजन करेंगे, सामान बाकी इंद्र और हमारे ट्रस्टीगण हैं जो विशिष्ट हैं वो सब यहाँ पे आगे जाके लेफ्ट में भोजनशाला बनी है वहाँ भोजन करेंगे, साथ में सोच के भोजन की भोजनशाला भी वहीं बनी हुई है, उसके अलावा जो हमारे अतिथि हैं जिनके
बेल्ट वगैरह मिला है उनके लिए पूरी भोजनशाला एक अलग से बनाई गई है। इस तरह से आप जो भोजन की व्यवस्था की गई है, शाम को बहुत सुंदर सा आरती का प्रोग्राम है, सबको जिन शरण में भोजन के पश्चात वहाँ से राजा चक्रवर्ती बना के बग्घियों के साथ और पूरे बैंड बाजों के साथ में उनको लाया जाएगा। सभी को जिन शरणम तीर्थ में पहुँचना है, वहाँ से बहुत सुंदर कार्यक्रम होगा। और जितने भी कलश हैं वो घट यात्रा के, वो आप स्टेज के पीछे वहाँ रखें, रख दें जो लाए हैं आप।